अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शौक और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप्स टॉपिक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लैपटॉप में या पीसी में स्क्रीन रिकॉर्डर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करके किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है EASEUS, उसके बाद रिकॉर्डिंग। ये सर्च करेंगे तो ये वाला जो फर्स्ट वाला लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे EASEUS के ऊपर EASEUS रिकॉर्डिंग जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो पेज है, और अगर आप इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से करना है, अगर बाय करना है तो आपने इस यहाँ से करना है। तो यहाँ से फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करना है, तो फ्री में डाउनलोड करने के लिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया हुआ है पहले से ही अपने कंप्यूटर में। मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ और क्रॉस करने के बाद फोल्डर को माई कंप्यूटर को ओपन करके जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता हूँ। माई कंप्यूटर को ओपन कर लिए और यहाँ से मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर दिए है, इसको ओपन किया है, और ओपन करने के बाद इस तरह से इस सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से भी ओके, और यहाँ से भी इसको नेक्स्ट 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 करना है और नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ से ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको यहाँ से फिनिश कर देना है और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ सब टैब्स को। और ये देखें, ये ओपन हो रहा है। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है रिकॉर्ड स्क्रीन, यहाँ से आप जो है ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से गेम वगैरह की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और अगर आप कुछ एरिया स्क्रीन का क्रॉप करके रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और यहां से इसका जो रेजोल्यूशन है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे माइक्रोफोन और बाकी सारे ऑप्शन ऑडियो के आपको यहां पे मिल जाते हैं। तो इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए आपने सिंपली यहां पे क्लिक करना है रिकॉर्डिंग के ऊपर। जैसे आप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो रिकॉर्डर है स्टार्ट हो गया है रिकॉर्डिंग करना हमारे लैपटॉप में। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हुए कुछ लिखना चाहते हैं ऊपर तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं वैसे ऊपर लाइनें वगैरह लगा रहा हूँ, तो आप अगर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लाइनें लगा रहा हूँ, तो अगर आपने कुछ भी टाइप करना है तो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ से इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग को मैंने सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद यहाँ से इसको मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसको प्ले कर लेता हूँ। ये देखिए, जो हमने रिकॉर्डिंग की है अभी लैपटॉप में, वो रिकॉर्डिंग प्ले होगी। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।